नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। भीतरवार ग्राम मोहना चपर घाट पर जनसेवा आर्मी के मोहना मंडल ब्रिगेड के 13 कमांड के 48 ग्रामों के क्षेत्रों के कमांडर, मेजर और कैप्टन साथियों की मीटिंग आयोजित की गई। मीटिंग में करीब 175 योद्धाओं ने भाग लिया। 2023 के रण में किस मोर्चे पर कौन कहां कैसे लड़ेगा, ये धर्म युद्ध है। इसमें जो घर बैठेगा उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। धर्म की विजय होगी। अधर्मी, भ्रष्टाचारी, गरीबों के हक और अधिकार का दुरुपयोग कर अपने बड़े भैया और भतीजे का घर भरने वाले विधायक के 20 वर्ष के कुशासन से मुक्ति पाने का समय है। इस मुक्ति के बाद सबको ध्यान में रखकर सबको समान अवसर देने और सबके विकास के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता और जनसेवक मोहन सिंह राठौर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में विजय का संकल्प लिया। इस अवसर पर सत्येंद्र धाकड़, संदीप सक्सेना, परमानंद मिश्रा, पुरुषोत्तम आदिवासी, राजेंद्र सिंह धाकड़, गोपाल बघेल, रविन्द्र सिंह, सरदार कल्याण धाकड़, बलराम धाकड़, तुलसीराम बघेल, सियाराम बघेल, सीएमएस धाकड़ और समस्त कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और सर्वसम्मति से निर्णय में सहमति दी। जय भाजपा, विजय भाजपा। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किसानों को एक बहुत बड़ी राहत दी जा रही है, जो लगभग करोड़ों रुपए की सौगात आज बांटी जा रही है। किसानों का जो एक समय कर्ज माफी की योजना, वो कर्ज माफी कर दी गई थी। उस समय से किसान बड़े लंबे समय से डिफॉल्टर चले आ रहे हैं। उस डिफॉल्टर को सुधारने के लिए किसानों को उसके ब्याज को माफ किया जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, दरअसल क्या है कि कुछ लोग झूठ भी इतनी खूबसूरती से बोलते हैं कि उन्होंने 2 लाख के कर्जे माफ करने की बात की और सरकार पलट दी। आज भारतीय जनता पार्टी ने वायदा कोई नहीं किया, लेकिन फिर भी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, वो जिस दिन कर्ज माफी की बात हुई थी 2 लाख की, उसके आज तक के जो डिफॉल्टर किसान हैं उनका लाखों रुपया जो ब्याज का आज उनके ऊपर चढ़ा था, उस सबको माननीय मुख्यमंत्री जी सागर में 3 बजे उन सारे किसानों को उस ब्याज मुक्त, उस कर्जे से ब्याज को मुक्ति दे रहे हैं। इस तरह से लाडली बहना, तमाम सारी ऐसी योजना जिनका लाभ जनता को मिले। इस योजना का लाभ आपके भी सेक्टर और आपके जो विधानसभा क्षेत्र है, इसमें भी लगभग 450 गांव आपके क्षेत्र में लगते हैं जी, उनमें भी किसानों को मिल रहा है? बिल्कुल, 458 गांव हमारे इस भीतरवार विधानसभा क्षेत्र में है। करीबन 150 किलोमीटर स्क्वायर में ये विधानसभा फैली हुई है और उन सारे किसानों को लाभ मिले, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी समीक्षा समय समय पर हम करेंगे। शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए ये पूरे जनसेवक जो साथी बैठे हैं, आज करीबन 200 की तादाद में यहाँ इकट्ठे हैं, ये सारे के सारे इस पर काम करते हैं प्रतिदिन और हर महीने हमारी समीक्षा होती है, उसी समीक्षा को हमने आज आगे लिए। आज आपके द्वारा एक मंडल की मीटिंग की गई है, किस तरीके की मीटिंग है और यहाँ क्या किस तरीके का आयोजन किया गया है? आज मोहना जो मंडल है, उस मोहना मंडल के नगर के 15 वार्ड, हमारे 15, उसमें 5 कमांड एरिया और ग्रामीण क्षेत्र के 6 कमांड एरिया, ऐसे 11 कमांड एरिया के हमारे जो जनसेवक साथी हैं, जो आज 2023 की तैयारी में युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, जो अपना पूरा समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जनहितैषी योजनाएं हैं जिनमें हजारों करोड़ रुपया गरीबों के लिए बट रहा है, उन सारी योजनाओं पर किस तरह से हम जनता तक पहुंचें, किस तरह से हम 2000 की तैयारी करें, कहां कहां किस किस मोर्चे पर कौन कौन व्यक्ति लड़ेगा, किस गांव की जवाबदारी कौन लेगा, उस जवाबदारी के अंतर्गत कितने हमारे जो कार्यकर्ता साथी हैं या हमारे मोर्चे पर लड़ने वाले जो सैनिक साथी हैं, जो कमांडर हैं, मेजर हैं, कैप्टन हैं, वे सारे के सारे किस किस दायित्व को निर्वहन करेंगे, हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और हमारी जो मेहनत है उसको जन जन तक पहुंचाएंगे, उस पर आज हमने मीटिंग रखी थी। ये करीब 11 बजे से हम इस पर मंथन कर रहे हैं और अब शाम को 4 बज रहे हैं, तो ये 4-5 घंटे का मंथन करके हम बहुत संतुष्ट हैं कि हम लोगों ने 2023 में किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हम पार्टी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, उस पर हम लोगों ने काम किया।